किसी ने क्या खूब कहा है, जिसको जो कहना है कहने दो, इसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको नए यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 25 अगस्त दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आइए इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय गणपति महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा गणपति महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि रहना चाहते हैं स्वस्थ तो चाणक्य इन बातों को कभी ना भूलें। जी हां दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने पानी की सही तरीके को बताया है। चाणक्य ने बताया है कि किस तरह से व्यक्ति के लिए पानी अमृत के समान है और इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये विष का काम भी करता है। चाणक्य कहते हैं कि भोजन के पचने के बाद पानी पीना औषधि के समान है। भोजन पचने के करीब आधे से एक घंटे बाद पिया गया पानी शरीर में बल में बढ़ोतरी करता है। चाणक्य कहते हैं कि भोजन के बीच में बहुत थोड़ा पानी पीना अमृत के समान है। वही भोजन के तुरंत बाद पिया गया पानी शरीर के लिए विष का काम करता है और हानि पहुंचाता है। चाणक्य के अनुसार निरोगी काया और चमकदार त्वचा के लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक बार अपने पूरे शरीर की तेल से मालिश करें, क्योंकि इससे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और अंदर का मैल बाहर आ जाता है। मालिश के बाद स्नान कर लेने से मैल और तेल साफ हो जाता है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि खड़े अन्न से 10 गुना ज्यादा पौष्टिक पिसा हुआ अन्न पौष्टिक होता है, वहीं पिसे हुए अन्न से 10 गुना अधिक पौष्टिक दूध माना जाता है। दूध से 10 गुना अधिक पौष्टिक मांस है और मांस से भी 10 गुना ज्यादा पौष्टिक घी होता है। हेल्दी लाइफ जीने के लिए इन चारों चीजों का सेवन जरूरी माना गया है। वहीं आचार्य चाणक्य ने सभी औषधियों में ग्लो को सबसे अधिक प्रधानता दी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सभी प्रकार के सुखों में भोजन सबसे बड़ा सुख है। शरीर के सभी इंद्रियों में आंख प्रमुख है और सभी अंगों में प्रधान मस्तिष्क है। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आगे पंचांग के बारे में। आएगा पंचांग 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आएगी तिथि है प्रतिपत्ति, आएगा नक्षत्र उत्तर भाद्र नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, ऋतु चल रहा है शरद ऋतु। आज सूर्योदय होगा, सुबह 5:55 पर सूर्यास्त होगा, शाम 6:50 पर। दोस्तों आज का अशुभ समय है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 7। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि वाले के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले आए अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें, आप पैसा बना सकते हैं, बस आप अपनी जमा पूंजी पारस्परिक तौर पर निवेश करें। परिवार के लोगों के बीच पैसे को लेकर कासुनी हो सकती है। पैसे के मामलों में आपको परिवार के सभी लोगों को स्पष्ट होने की सलाह देनी चाहिए। आज आप अपने दोस्तों की महक उसकी अनुपस्थिति महसूस करेंगे। आय का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए है। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। आप अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। आपको अपने काम और क्षमता दोनों का भी अंदाजा है, लेकिन आलस आप पर अधिक सवार होने की वजह से काम वक्त पर नहीं हो पाएंगे। परिवार के लोग भी आप कुछ बातों के लिए गैर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिसके कारण आपसे संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं। नौकरी पैसा लोगों को मंचा काम मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। बिजनेस में साझेदारी संबंधी योजना बन रही है तो उस पर तुरंत अमल करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस समय कोई भी यात्रा करना नुकसानदायक रह सकता है, इसमें धन और समय दोनों की बर्बादी होगी। परिवार के साथ शॉपिंग और डिनर संबंधी यादगार प्रोग्राम बनेगा, घर में प्रसन्नता भरा माहौल बना रहेगा। वाहन संबंधी खर्चा होने के भी योग बने हुए हैं। सुख सुविधा और मनोरंजन के नाम पर भी आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। परिवार के किसी मामले में कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। पार्टनर की भावना का सम्मान करें, पार्टनर बहुत ही भावुक हो सकता है। आय का दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा, बशर्ते आप तनाव से दूर रहें। कार्यस्थल पर बॉस से अनबन हो सकती है, इसके कारण आप किसी महत्वपूर्ण बात की अनदेखी भी कर सकते हैं। बिजनेस के लिहाज से समय उत्तम है, नई योजनाएं से भी फायदा मिल पाएगा। आज आसमानी रंग के वस्त्र पहनने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, नारंगी रंग का असर इसका उल्टा होगा। अन्य राशि वाले आए आपके प्रयास सफल रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यवसाय ठीक चलेगा, सुख के साधन जुटेंगे, शत्रु परास्त होंगे, सुख वृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति मिलेगी। आर्थिक योजनाओं में धन का निवेश हो सकता है। पड़ोसियों से किसी बात पर मतभेद की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों आय के स्रोत विकसित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिन के अंत में मामूली आमदनी की उम्मीद करें। व्यवसायिक गतिविधियों में बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर दें। करियर के मामले में आप कुछ असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है, इसका मतलब है कि आपके काम को संभालने के तरीके
में कुछ बदलाव की जरूरत है। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध बनेंगे, प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। मीन राशि के लोग आपको आकर्षित करेंगे। जब तक आप यात्रा के बारे में सुनिश्चित ना हो तब तक यात्रा बुक ना करें। किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहने का दबाव महसूस ना करें जो आप नहीं करना चाहते हैं। यदि आप सक्रिय हैं तो अपने आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करें। तनावग्रस्त होने के साथ आने वाले कभी कभार होने वाले सिर दर्द को छोड़कर आज आपको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। आज परिवार का पूर्ण स्नेह सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके कुछ मित्र मददगार साबित होंगे। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी। आपको अचानक धन लाभ होगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरा रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। व्यापार में अचानक से धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा जिससे आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। अपने इष्ट देव को फूल अर्पित करें। दोस्तों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आज आप दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक सहानुभूति पूर्ण रहेंगे और स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। ये जश्न मनाने का समय परिवार और मित्रों के साथ आज का दिन आनंद लें। किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए आपको निमंत्रण मिल सकता है। सुर्खियों में रहेंगे और बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ अपने समकालीनों और सहयोगियों से आगे निकल जाएंगे। ये अपने आप को साबित करने और अपनी मेहनत के फल का आनंद उठाने का अच्छा समय है। एक क्रियाशील और सफल दिन आपका इंतजार कर रहा है। खुशहाल जीवन जिए, इससे आप अच्छा स्वास्थ्य और जोश सुनिश्चित कर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य काफी हद तक आपके अवचेतन मन की स्थिति से जुड़ा है। सकारात्मक ऊर्जा और आशावाद आपको सभी प्रकार की बीमारियों से बचने में सहायता करेंगे। सुनिश्चित करें कि आपको आराम और विश्राम के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। भावनाएं अति तीव्र परंतु नियंत्रित रहेंगी। आपकी परिवर्तित जब संवेदनशीलता और गर्म जोशी कारण आप दूसरों को अधिक प्रिय लगेंगे। व्यवसायिक उद्देश्य यात्रा करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। भाग्य आय आपके पक्ष में आते आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लॉटरी जीतने सट्टा बाजार में लाभ हासिल करने की इच्छा प्रबल रहेगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई दिक्कत चल रही है तो किसी की मत स्थिरता द्वारा हल हो सकती है। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने कार्यों पर पूरी एकाग्रता से ध्यान दें तथा आज किसी भी तरह की उधारी करना नुकसानदायक रह सकती है। आपसी संबंधों में खटास आ सकती है जिसका असर परिवारिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रेमी युगलों के लिए ये दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। उनके लिए दिन की शुरुआत ठीक रहेगी। रिश्तों में गर्माहट रहेगी। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे और संतुष्ट रहेंगे। लेकिन इसके बाद संबंधों में उतार चढ़ाव आने के आसार हैं। रिश्ते में कड़वाहट ना आए इसके लिए थोड़ा विवेक से काम लेने की आवश्यकता होगी। नाजुक समय में अपने व्यवहार को संतुलित रखें। बातचीत में सावधानी बरतें ताकि रिश्ते की गर्माहट पर आंच ना आए। व्यर्थ के बाद विवाद बहस करने से बचें। वहीं कन्या राशि के विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा। सातवां भाव और विवाह पार्टनरशिप का भाव होता है। उसे मंगल और शुक्र की उपस्थिति है। इस युति के फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में अंतरंग संबंध में वृद्धि होगी। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सातवें भाव में मंगल और शुक्र की उपस्थिति तो सुबह है। इसके साथ ही इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम उपस्थिति है। पति पत्नी में सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि 27 अगस्त को बुध के सप्तम भाव में आ जाने से स्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं। पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। आपस में बहसबाजी हो सकती है लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं होगी। 28 अगस्त को बुध को गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति फिर से बहुत ही सुखद हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज बुधवार गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से गणपति महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो गणपति महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह आयकर राशि फल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।